वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। आज हम खातों के बारे में जानेंगे। खाते कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से खाते होते हैं। खाते हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। खातों के प्रकार, खाते हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते होते हैं, रियल अकाउंट वास्तविक खाते और नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाते। अब इन्हें हिंदी में जानते हैं। व्यक्तिगत खाते, व्यक्तियों व्यक्तिगत खाते में कौन से खाते आते हैं। व्यक्तियों, फर्मों, संस्थाओं और कंपनियों के खाते को व्यक्तिगत खाते कहते हैं। जैसे मोहन, जैसे किसी नाम का खाता हो, मोहन सोहन या किसी नाम का। कार्नेमेंट लिमिटेड हो, राहुल मिल्स लिमिटेड के खाते, ठीक। किसी कॉलेज का है, जैसे AS इंटर कॉलेज, पब्लिकेशन, रोटरी क्लब के खाते आदि खाते इसमें आते हैं। अब व्यक्तिगत खाते भी कितने प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत खातों का वर्गीकरण, क्लास एक्शन ऑफ पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते भी हमारे, नंबर एक प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते भी जैसे प्रवेश, अमर, पारुल आदि के खाते प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। इनमें देनदार के खाते, लेनदार के खाते, पूंजी खाते और आयरन खाते, याद रखना देनदार, लेनदार, पूंजी, आयरन, आयरन खर्च, सभी के खाते शामिल होते हैं। दूसरा नंबर कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, ये खाते हमारे व्यक्तिगत खाते में ही, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कंपनियों के खाते, फर्मों, बैंकों, संस्थाओं आदि के खाते कृत्रिम खाते कहलाते हैं। जैसे विप्रो लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, जीवन बीमा निगम, ये खाते। नंबर तीसरा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये खाते। इस श्रेणी में किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते आते हैं। जैसे मजदूरों की देह मजदूरी का खाता, कर्मचारियों का देह वेतन के खाते के लिए, जैसे मजदूरों की देह मजदूरी खाता मजदूर और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों ही। मजदूरों की देह मजदूरी खाता कर्मचारियों का देह मजदूरी या वेतन जो क्रमांश मजदूरी और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये खाते। तो ऐसे प्रतिनिधित्व वाले खाते आते हैं। इनमें पूर्वदत्त व्यय, इनमें जो आते हैं पूर्वदत्त व्यय, अर्जित आय, अनुपार्जित आय आदि खाते भी आते हैं। सेकेंड नंबर वास्तविक खाते, रियल अकाउंट। व्यापार की संपत्तियों से संबंधित खातों को वास्तविक खाते कहते हैं। संपत्तियों से जैसे रोकड़ खाता, मशीनरी खाता और ख्याति खाता। वास्तविक खातों का वर्गीकरण, क्लास एक्शन ऑफ रियल अकाउंट, ये भी हमारी ट्रेंजिबल रियल अकाउंट, मूर्त वास्तविक खाता, ट्रेंजिबल रियल अकाउंट। इनमें उन संपत्तियों के खाते को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें छुआ जा सके, देखा जा सके और जिनका क्रय विक्रय किया जा सके, जैसे रोकड़ खाता, भवन खाता, माल खाता, फर्नीचर खाता आदि। अमूर्त वास्तविक खाते, अमूर्त वास्तविक खाते ऐसी संपत्तियां के खाते होते हैं जिन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता परंतु और संपत्तियों की भांति क्रय विक्रय किया जा सकता है। जैसे इनके मूल्य को भी मुद्रा में मापा जा सकता है। जैसे ख्याति खाता, एक स्वयं खाता, कॉपीराइट खाता। नंबर तीन पर आता हमारा अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट। इन्हें नाम मात्र खाता अथवा आय व्यय खाता भी कहते हैं। आय व्यय, लाभ हानि से संबंधित खाते इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मजदूरी का खाता, वेतन खाता, किराया खाता, ब्याज खाता आदि। रहतिया अथवा स्टॉक, व्यापारी के पास जो बिना बिका हुआ माल होता है वह स्टॉक, रहतिया अथवा स्कंद कहलाता है। संपत्तियां एसेट्स, किसी संपत्तियां क्या होती हैं। किसी व्यापारी की वे संपत्तियां हैं जिनको लाभ कमाने के लिए प्रयोग किया जाता है, संपत्ति कहलाती हैं। जैसे रोकड़, स्टॉक, भवन, मशीनरी, देनदार आदि। दायित्व, व्यापारी को जो ऋण अपने स्वामी तथा बाहरी स्वामी की पूंजी, लेनदार, देह बिल आदि इसके अंदर आते हैं। जर्नल क्या होता है। जर्नल प्रारंभिक लेखक की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें व्यापार में होने वाले प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों की संख्या सीमित होती है। अपने सभी लेन देनों का प्रारंभिक लेखा करने के लिए केवल जर्नल का प्रयोग करते हैं। वहाँ इसे रोजनामचा भी कहा जाता है और टेबुक। दोहरा लेखा प्रणाली एवं उसकी शाहक वहियाँ। दोहरा लेखा प्रणाली आविष्कारक, जो इनके आविष्कारक हैं, वो सर्वप्रथम इटली के लुक्स पैसोलिनी ने 1494 में किया था। सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन इनकी पुस्तक दी कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्टर्स में किया गया है। इसके पश्चात बही खाता प्रणाली भी कहते हैं। इसे बही खाता प्रणाली भी कहते हैं, व्यापारिक बही खाता प्रणाली भी कहते हैं। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम से बना है। इसका अर्थ है उनसे देय है।
क्रेडिट लैटिन भाषा के क्रेडिटर से बना है, क्रेडिटर से बना है, इसका अर्थ है उनको दी है। डेबिट उनसे दी है, क्रेडिट उनको दी है ड्यू टू दैट।